किसी भी इंसान के चरित्र की या कहीं किसी भी इंसान की कैरेक्टर की जो बात उसे बहुत मैच्योर बनाती है और दिखाती है वो चीज़ होती है उसका सेंस ऑफ प्रोपर्शन। ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया बहुत ही सधी हुई होती है। ऐसे लोग इमोशन से निर्णय नहीं लेते, ऐसे लोग भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते और वो किसी भी निर्णय तक पहुँचने में जल्दबाजी नहीं करते और ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया बहुत ही सधी हुई होती है। और ये सारी जरूरी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मिर्जापुर सीरीज के किरदार कालीन भैया में। कालीन भैया बुलाए। मिर्जापुर में किसी को भी दुश्मन बनाइए लेकिन कालीन भैया को नहीं। कालीन भैया गुंडा नहीं है, डॉन है। कालीन भैया फुल कंट्रोल दिया। अपनी पावर सॉलिड है कालीन भैया के नाम से। कालीन भैया खुद बुलाए। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की है और वो हमको काम दे रहे हैं। वो कालीन भैया है, अगर वो चाहते तो सामने से नहीं मार देते। मैं अपनी बात कुछ सबूत के साथ बताने के लिए कुछ मिर्जापुर के कुछ दृश्यों की चर्चा करूंगा जिसमें आपको कालीन भैया के अंदर बखूबी साफ साफ देखने को मिलेगी। हम जानते हैं कालीन भैया हमारी नैतिकता की नज़र में फिट बैठने वाला इंसान नहीं है, लेकिन बुरा होने के बाद भी उसके कैरेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे बहुत ही परिपक्व बनाती हैं और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व को भी भारी दर्शाती हैं। आप जब इस सीरीज में कालीन भैया को देखते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि जिससे पूरा मिर्जापुर खौफ खाता है वो कालीन भैया अंदर से कितना हिला हुआ है, जो पूरे शहर को संभालता है लेकिन उसके लिए घर संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। पहला दृश्य तब का है जब कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया की हाथापाई हो जाती है गुड्डू और बबलू के साथ। मुन्ना उन दोनों के साथ बदला लेना चाहता है लेकिन कालीन भैया का फैसला कुछ अलग है। वो उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, ये उसका दया भाव नहीं है बल्कि उसका ठोस संयम है। हो सकता है वो बदला ले लेकिन इत्मीनान से। अभी वो शांतचित होकर फैसला लेता है जो कि ये दिखाता है कि उसके अंदर कितना ठोस संयम है। कल मिर्जापुर तुम्हारा होगा मुन्ना, चाहते हो ना वो जीप पे नेम प्लेट लगे मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। बेटा जब शहर चलाओगे ना तो ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे, उसके लिए आदमी चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करे और ये दोनों करेंगे। हमें बदला लेना है उनसे। मुन्ना तो इससे बड़ा बदला क्या होगा, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे। बिठाए नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दिए हैं। जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। जो दूसरा दृश्य हमें जो दूसरी चीज सिखाता है वो ये है कि किसी से बेवजह दुश्मनी ना लें। अगर आप लोगों को बेवजह अपनी ताकत दिखाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होगा। आपके लिए कुछ ऐसे दुश्मन बनेंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जरूरी ये है कि किसी से बेवजह दुश्मनी ना लें। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तीसरी चीज, लोगों में अपना डर कायम रखें ताकि लोगों को ये लगता रहे कि आप ताकतवर हैं। लोगों को आप जितना ताकतवर दिखेंगे लोग उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और मिर्जापुर के कालीन भैया भी यही करते हैं कि जब तक लोगों में डर है तब तक ही लोग इज्जत करते हैं, तो लोगों के बीच अपना रुतबा और डर कायम रहे। नमस्ते भैया। कालीन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी, मिर्जापुर में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में। अरे मकबूल, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। चलो लस्सी पी। चौथी चीज, लोगों को अपनी ताकत का एहसास करना। आपको लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। आपको उस जगह से हटा दिया जाएगा जहां पर आप हैं और जहां तक मुझे लगता है आप नहीं चाहेंगे कि लोग आपको छोड़कर आगे निकल जाएं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो तो आप उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा। जिस अखंडा से आप परिचित हैं वो व्यापारी थे और हम बाहुबली हैं। जितना करना था आप कर लिए, अब हम करेंगे।
क्या कर लेंगे आप मकबूल? आपके बाकी साथियों को भी मुक्ति दे दी है। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। इन घटनाओं के जरिए हम एक ऐसे इंसान के मन में झांक कर देखते हैं जिसके भीतर सटीक संतुलन स्थापित है और जो हर तरह के गलत और सही समय में खुद को भावनाओं में बहने नहीं देता और एक सही निर्णय लेता है।